लीड कोड चैलेंज को लेके। और यार ये क्वेश्चन जो है ना हमारे डीएसए में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। और ये जो है आज हम बात करने वाले हैं 2D मैट्रिक्स में। 2D मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट वैल्यू दी गई है और हमें सर्च करना है कि वो यार क्या एग्जिस्ट करती है क्या नहीं, ठीक है। और यार इसके दो वेरिएंट है बेसिकली, एक तो ये है जो हमारे सामने है कि भाई एग्जिस्ट करती है या नहीं, और एक ये होता है कि हमें क्या करना है उसके कॉलम और रो रिटर्न करना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइक इस तरह की हमें मैट्रिक्स दी गई है और हमें टारगेट वैल्यू दी गई है और हमें ट्रू या फॉल्स बताना है कि भाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो कैसे करेंगे इसे समझते हैं, और मैं आपको तीनों सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ब्रूट फोर्स, ठीक है, बेटर और ऑप्टिमल। यार तो सबसे पहले इंटरव्यू में जब भी आप हो तो आपको यार हमेशा ब्रूट फोर्स पे वर्क करना है, क्योंकि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से पर्सन आपको देखना चाहते हैं कि यार आप क्या लॉजिक बिल्डअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ब्रूट फोर्स पे सबसे पहले चलते हैं, और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि वही हमारी यार मोटिवेशन है मेजरली। तो ब्रूट फोर्स पे अगर बात करें तो सबसे पहले नेव अप्रोच हम क्या ले सकते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स भी इस तरीके से है कैसे कि लाइक जैसे ये हमने ले ली 1, 3, 5, 7, 10, 11, ठीक है, ये 16, हियर इज 20, 23, 30, ठीक है, थोड़ा सा ओके, है ना, ये हुए 23, ये 30, यहाँ 34 हमारा, और यहाँ हमारा 50। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें टारगेट निकालना है कि भाई क्या एग्जिस्ट करता है, जो हमारा टारगेट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 30, क्या 30 इसमें एग्जिस्ट करती है। हाँ हमें पता है, हाँ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब हम इसे कोड से कैसे करेंगे। अगर हम बेसिकली देखें तो यार सिंपल है ना, इसमें एक चीज़ खास दी गई है कि क्या कि हमारे जो रोज होंगे वो भी सॉर्टेड हैं और जो कॉलम्स हैं वो भी सॉर्टेड हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज होएगा, अगर हम डाउन अप टू डाउन जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं इसमें दिया गया है, और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई सिंपल हम क्या कर सकते हैं, एक तो सिंपल अप्रोच है कि सिंपल हम क्या करें, लीनियर सर्च लगा देते हैं, है ना। लीनियर सर्च क्या भाई, लीनियर सर्च सिंपल कुछ नहीं, दो लूप लगा के और हर एक एरे पे जा जाके उसे टारगेट से चेक करवा के क्या ये टारगेट के इक्वल है, एक तो सिंपल वो कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल यार। लेकिन अगर हम देखें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी एन रोज एम कॉलम्स, क्या एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं यार। क्या हम इसे और बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल यार आप लोग इसे और बेटर कर सकते हो। कैसे, अगर सोचो यार कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि भाई हमारी रोज भी सॉर्टेड है और हमारे कॉलम्स भी सॉर्टेड है, तो कहीं ना कहीं यार लग रहा है कि बाइनरी सर्च लग सकता है। हाँ यार लग तो रहा है, बाइनरी सर्च लग सकता है, ठीक है। सोचो कि हम क्या कहें, हम कहें कि भाई हमारी रोज सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, हम रोज हम हर रो में एक बार बाइनरी सर्च लगाते हैं, ठीक है, एन रोज है और बाइनरी सर्च हम रो में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या सकती है, एन लॉग एन, है ना, कि भाई एन रोज है और हम हर बार उसमें लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा ऑप्टिमल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कैसे ऑप्टिमल कर सकते हो, अगर हम सोचें जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले ठीक है 10, 20, 30, ये हमारा 40, ठीक है 11, 21, 36, 43, देन हमारा 25, 29, 39 एंड देन हमारा 50, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर हम कहें कि भाई हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली अपना जो है एलिमेंट फाइंड करना है, और एलिमेंट हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि भाई चल 21 ले लेता हूँ मैं अपना टारगेट, कि हमें 21 फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हम ये कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हम क्या करते हैं,
कि हमें पता है कि भाई यहाँ ये रॉ भी सॉर्टेड है और ये नीचे रहेंगे तो भी सॉर्टेड है। तो हमने क्या कि भाई हम क्या करते हैं, हम बैकवाइज हम अपने लेते हैं कि फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम हम लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम लिया हमने, और फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम लेके हमने क्या करा, हमने जो है चेक करा कि भाई क्या ये टारगेट वैल्यू है हमारी 21, नहीं यार टारगेट वैल्यू तो नहीं है। क्या ये टारगेट वैल्यू से छोटा है, नहीं यार छोटा भी नहीं है, बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। अब बड़ा है तो हमें पता है कि नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा ही ऑलरेडी, ठीक है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या होगा, घटेगा। तो हमने क्या कि चलो भाई ठीक है पीछे कर दो, फिर से हम आ गए 30 पे। 30 पे आए, 30 पे अगर हमने चेक करा 21 से बड़ा है छोटा है, नहीं बड़ा है तो हमने क्या पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ गए 20 पे आ गए। अगर जब हमने 20 पे चेक करा कि 20 21, नहीं यार इक्वल तो नहीं है, क्या बड़ा है, नहीं यार बड़ा नहीं है, ठीक है छोटा है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई छोटा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे से तो हम ऑलरेडी आए हैं तो हमने क्या भाई नीचे चले जाए, डाउन चले जाओ, 21 मिल गया हमारा, 21 हाँ जी मिल गया। नेक्स्ट हम कहते हैं हमने जैसे एक टारगेट ले लिया तो हमने अपना यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ही ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या ले लिया, मैंने कह दिया भाई 50, मैंने कहता हूँ क्या ले लेते हैं, मैंने क्या ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, बेस्ट है, ठीक है 35 लिया। 40 पे फिर थे हम, 40 से चले 35 बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, हमने क्या पीछे कर दो भाई, ठीक है 30 पे आ गए, 35 बड़ा है, हमने क्या तो ये कहाँ पे जाएगा हमारा, हमारा चला गया ये नीचे, ठीक है 36, 36 अगर हम देखें तो 35 से बड़ा है, हाँ जी हमने क्या पीछे कर दो। अब हमने क्या देखा कि भाई ये तो हमारा 35 बड़ा आ गया, ठीक है हमने क्या नीचे ला दो, नीचे ला दिया। फिर इन्होंने कहा कि भाई 35 तो बड़ा है, अब बड़ा है सिंपल है ना, बड़ा है तो क्या है नीचे आउट ऑफ बाउंड, एरे क्या हो गया हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया, और आउट ऑफ बाउंड जाने का मतलब यहाँ पे क्या है फॉल्स, ठीक है। थोड़ा सा कोड पे अगर हम देखें तो कोड बेसिकली कैसे होगा, अगर हम देखें तो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए आई को 0 और जे हमारा क्या आएगा, जे हमारा होगा m-1। देन हमने क्या करा, हमने वाइल लूप चलाया, एंड वाइल लूप हमने कैसे चलाया, वाइल लूप लाइक हमने चलाया कि भाई n तक तो इंक्रीज हो सकता है और जे हमारा क्या है 0 तक, ठीक है ये कंडीशन हुई। इसमें पहली कंडीशन अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी क्या, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई और मैट्रिक्स ऑफ जे, ठीक है अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू। नेक्स्ट इफ अगर मैट्रिक्स ऑफ आई और जे हमारे क्या हुए, हमारे बड़े हुए टारगेट से, टारगेट हमने मान लिया एक्स, ठीक है इससे बड़े हुए, तो बड़े हुए तो हमने कि पता है ना कि यार बड़ा हुआ तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो है जे माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। और एल्स अगर वो जो है क्या हुआ, हमारा टारगेट बड़ा हुआ तो हमें आई को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो यार ये हुई हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, है ना, मतलब हम रो और कॉलम वाइज हमने चीज़ें कर ली कि भाई अगर हमारा बड़ा हो गया तो सिंपली हमें नीचे तो जाना नहीं, तो हमने जे माइनस माइनस कर दिया, और अगर हमारा जो है मैट्रिक्स बड़ी हुई तो हमने कॉलम से पीछे चले गए, और अगर हमारा जो है क्या हुआ, अगर हमारा टारगेट बड़ा हो गया है और वो छोटा हो गया तो हमने क्या कि भाई अब रो वाइज हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो रो वाइज हम नीचे चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर हम इंटरव्यू में जाएँ तो इंटरव्यू हमसे कहेगा कि यार क्या हम इससे बेटर कुछ कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो लीड कोड के लिए सही है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इससे भी बेटर हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या है, जैसे अगर आप सोचो यार 1, ठीक है 3 5 7, ओके 10 11 16 20 23
N50। अगर हम देखें तो यार जो 7 है वो ऑलवेज 10 से छोटा है, हाँ जी। 20, 23, हाँ जी। तो अगर देखें तो यार ये सारे के सारे एक तरीके से अगर हम इसे लीनियरली बना लें तो यार ये पूरा का पूरा एक सॉर्टेड एरे होगा, हाँ जी होगा। लेकिन यार अगर हम इसे एक अलग एरे स्टोर करने के लिए रखें तो हमें जो है स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा N into M का। हाँ, क्या हम विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक वे में जाना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम वाइज समझना पड़ेगा कि हम कौन से, देखो हमारा 0 to 2 इतना तो हम समझ गए कि भाई स्टार्टिंग में लो हमारा कहाँ पे होगा, L0 पे, ठीक है। अब हम लगाएंगे बाइनरी सर्च, L0 पर है, और हमने क्या करा, हमने यहाँ लगाया N-M, N into M-1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 11, 11 ही डिजिट्स है, ठीक है। जीरो जीरो बेस काउंटिंग के बेसिस पे हमने मिड निकाल लिया, मिड हमारा कितना आया, मिड आया हमारा 5, 5 मिड आया, ठीक है। अगर हम चेक करें हमारा 5 मिड आया, तो 5 मिड के बेसिस पे हमारे पास कॉलम्स में कितने हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं 4, तो हमने कॉलम्स से हमें डिवाइड करना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 और 5 मॉडुलो 4, इट्स 1 1, 1 1 आया, तो 1 1 पे हमारा कौन सा है, 0 1 1, तो हमारी आई 11। 11 का टारगेट है हमारा 13, नहीं यार 11 तो टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है तो क्या होगा कि भाई हमारा तो सॉर्टिंग है ना, तो वो आगे ही कहीं लाया कर रहा होगा, तो आगे लाया कर रहा होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपने मिड को कर देंगे +1, तो ये हमारा अब नेक्स्ट लो क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट लो हुआ 6 और ये हुआ हमारा 11। फिर हमने फिर से बाइनरी सर्च लगाया और 6 प्लस 11 17, और 17 डिवाइडेड बाय 2 हमारा कितना आया, मिड आया इस बार 8, 8 को 4 से डिवाइड करा तो हमारा आया 2 एंड 0, 2 एंड 0 आया, तो 2 हमारी किस पे किधर हुआ, 2 हुआ हमारा हियर, और 0 यहाँ पे हुआ, तो 23 आया, 23 तो बड़ा हुआ अभी भी, मतलब हमारा टारगेट अभी भी बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। तो हमने क्या कहा कि भाई मिड +1 कर दो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, 9 और 11, 9 और 11 का मिड निकाला हमने, तो आया 20 10, 10 को हमने डिवाइडेड बाय 4 करा तो 2 और मॉडुलो 2, तो 2 2, तो 2 2 प्लेस पे कौन सा है, इट्स 34, एंड 34 इज ग्रेटर देन 30। तो हमने क्या कहा, हमने क्या भाई अब अपने हाई को छोटा कर लो, तो हाई क्या हुआ हमारा मिड -1, 9 9, अब बोथ 9 9 हो गए, तो हमने क्या भाई 9 9 तो 9 ही आना है, 9 डिवाइडेड बाय 4 क्या हुआ 2, और 9 मॉडुलो 2 4 तो क्या हुआ हमारा 2 1, और 2 1 पे हमारा क्या लाया कर रहा है, 2 1 पे हमारा लाया कर रहा है 30। मिल गया हमें आंसर, हाँ जी मिल गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ रही है log N into M, बस ठीक है। तो कोड पे चलते हैं और कोड करते हैं साथ में, तो कोड पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंपली सबसे पहले तो हम देख लेंगे भाई मैट्रिक्स हमारी वो तो नहीं है, क्या पता मैट्रिक्स हमारी खाली पड़ी हो, अगर मैट्रिक्स हमारी लेंथ ही 0 है तो क्या हुआ, तो भाई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर दो क्योंकि टारगेट मिल ही नहीं सकता हमारा, तो फॉल्स कर देंगे हम। फिर हमने क्या कहा कि इंट एन, अगर मैट्रिक्स हमारा, मैट्रिक्स की लेंथ निकाली हमने इंट एम में, हमने मैट्रिक्स मतलब दोनों रो और कॉलम हमने बना लिए, और रो और कॉलम का हमने अपना करके रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने अपना बनाया लो, लो को इनिशियली 0, एक हमने हाई पॉइंटर बनाया, और हाई को मैंने कह दिया N into M, और इसका N into M का क्या कर दो भाई -1, ओके जैसे हमने डिस्कस करा। फिर हमने लगाया वाई, जब तक लो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई है, जब तक क्या करो, जब तक निकालो मिड, मिड कैलकुलेट करो, और मिड कैलकुलेट करके लो प्लस हाई माइनस
लो डिवाइडेड बाय टू। ओके समझ में आया हुआ है वो? ठीक है। इफ, अब हमने क्या कि भाई अगर हमारा मैट्रिक्स, अगर हमारी मैट्रिक्स में मिड डिवाइडेड बाय, ठीक है, मिड डिवाइडेड बाय हमारे रूप, हमें देखना है कॉलम, तो एन मिड डिवाइडेड बाय एन और मिड मॉडुलो एन, ठीक है, इक्वल्स टू टारगेट हो जाते हैं, तो हमने क्या किया भाई, रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। और इफ मैट्रिक्स मिड डिवाइडेड बाय एन एंड मिड मॉडुलो एन, ठीक है, अगर ये हमारा टारगेट से, मतलब हमारा टारगेट बड़ा है, अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, हम अपने लो को कहेंगे कि भाई लो को मिड प्लस वन कर दो, एंड एल्स हाई को मिड माइनस वन कर दो भाई, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमने कर दिया रिटर्न फॉल्स, तो रन करके देखते हैं। ओके तो उसने क्या कहा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, नो मेंबर नेम्ड लेंथ, मैट्रिक्स डॉट साइज कर देता हूँ, ओके लेंथ को ये कभी बार होता है कंपाइलर, मतलब तो हम साइज ले लेते हैं लेंथ की जगह पर, और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो गई थी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है मतलब मैट्रिक्स जीरो, मतलब हमें क्या करना है, हमें कॉलम की लेंथ से डिवाइड करना है, मतलब हमारे कितने कॉलम्स हैं हमें उससे डिवाइड करना है, ना कि रो से। पहले मैं रो से कर रहा था गलती से, ठीक है, तो सबमिट करते हैं। और ये हमारा आज का लीटकोड चैलेंज सबमिट हो गया।